पल पल अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर रफानी आटो लाहौर से। ये भाई मेरा यूट्यूब चैनल देखे, इनका कारपेट ख़राब है गाड़ी का। ये पहले भी सर्विस कराया, खोला है, ट्यूनिंग कंपनी से कराई है, तो कह रहे हैं गाड़ी ठीक नहीं हुई। अभी मैं इसका कारपेट चेक करना है, कारपेट सर्विस करना है और इंजन ट्यूनिंग। ये भाई मेरे पास बैठे हुए हैं जिनकी गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट करो ज़रा। ये देखिए, ये जैन जून सारा कारपेट सर्विस किया है, कारपेट भी जन्मन है। वो कह रहे थे कि मैंने बलालगंज जाना था, बलालगंज से कारपेट चेंज करना था, लेकिन मैंने उनको बताया कि वो चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होना अगर आपकी गाड़ी खड़ना हो। ये गाड़ी ना बैठ भी रही है, झटका मार रही है। बैठ के उठ रही है, झटका मार रही है। मैं अभी खोलूँगा कारपेट ट्यूनिंग सारा। ये भाईजान, ये कारपेट हर बंदा नहीं कर सकता। ये कारपेट की सेटिंग और ट्यूनिंग ये आसान काम नहीं, हर बंदा, हर मैकेनिक ट्यूनिंग नहीं कर सकता। ये अच्छे बंदे के पास जाएं जो कारपेट आपका, ये कारपेट जन्म लगा हुआ है। अभी वो चेंज करना चाह रहे थे, चेंज कर रहे थे तो वो बलालगंज का कारपेट भी सेट नहीं होना था। मतलब खोल यार कारपेट, खोल दें तो कारपेट सारी ट्यूनिंग खोल दें। अभी मैं वो लगा हुआ, ये गाड़ी मेरे पास कल्टस भी लगी हुई है, दो गाड़ियाँ पहले भी बुक हुई हैं। मैं आराम से इनका काम मुकम्मल करता हूँ तो फिर बताता हूँ आपको। ये खोल यार कारपेट सारा खोल के साइड पर रख दें, ट्यूनिंग सारी खोल दो, उसकी सारी चीज़ें खोल दो। भी ठीक लगा हुआ, 92 नंबर का सही जेट है। हाई का जेट भी 170 का लगा है, ये भी जेन्युइन लगा हुआ है, 170 का ये हाई का जेट है। पहले खोला हुआ है, इसके अंदर जैनवन जैन ही लगे हुए हैं, इसके ना जैन दो दो तीन तीन लगाया हुआ है। ये देखें, हाँ ये भी जैन लगाया हुआ है, जैन लगाने की जरूरत नहीं। ये वाले सुराख ही बंद है, ये देख रहे हैं, ये वाला सुराख, ये वाले और नीचे वाले, ये दोनों, ये वाले सुराख ही बंद है। ये पैप गाड़ी को एडवांस करता है, ये 10 डिग्री एडवांस करेगा डिस्ट्रीब्यूटर से। अगर ये सुराख बंद होगा गाड़ी एडवांस नहीं होगी। थोड़ी सी प्लेस के अंदर बटरफ्लाई में थोड़ा सा फ़र्क है,
ये भी मैं देखता हूँ कि इसको बड़े फेक नेल फिट करवानी है या यही चलानी है, जो भी मैं चेक करता हूँ। अभी थोड़ा सा फ़र्क है, 19-20 लूज है, चेक करते हैं। इसकी सुराख बंद है, ये भी बंद है। तो मैंने परसों वीडियो डाली है, दो दिन पहले कल डाली है, उसके भी सुराख बंद है, ये भी सारे बंद है। छिडो जड़ा हो गया, बस ठीक है। उन्होंने की कहना तुम किन्ने पैसे लैन लगा थोड़े को? फिर ही बंदे यूट्यूब तो देख के कोई बंदा लभ लेंगे, चंगा नहीं तो बंदे पता ही नहीं लगता बंदा लगे भी काम करना सही। जेट का ये वाला रिंग लाजमी आपने चेंज करना है, ये वाला जेन्युइन रिंग डालना आपने, ये वाला ये जेट का नंबर है 41.3 41.3 ये जेन्युइन जेट है, ये वाला जेन्युइन 70 का बड़ा जेट 170 का। अगर ये जेट छोटा लगा देंगे गाड़ी दौड़ेगी नहीं और पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी, अगर जेट छोटा कर दिया आपने। बाद लोग तो ये जेट बंद ही कर देते हैं, इसकी बटन फेक बंद कर देते हैं, मदद से खुलेगा बड़ा जेट। बड़ा हाई का वैकम खोलता है, ये बड़ी बटन फेक खोलने के लिए Thank you.
है बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲਦਾ टैबर्ड कंपनी से करवाया है, कंपनी कराया सी है लेकिन टैबर टैड है। कैपर भी कैट ना बहुत ज्यादा ये ही नहीं जा रही कंपनी टैबर भी है। टैबर सही ना हो तो गड्डी सेट नहीं होनी। मैंने क्या ट्यूनिंग कराई है पहले मेरी जिम्मेदारी तो कम होना फिर मैं सही चेक करांगा। ये इनटेक वाल बैठ के ऊपर उठेगा तो फिर आपने टैबलेट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग चेक करूंगा इसका तो टाइमिंग किधर है गाड़ी का।
देखें भाई जान, ये मैं इसका शुरू का टाइमिंग 12 पे रखने लगा हूँ। इस टाइम तो 11 पे है लेकिन मैं 12 पे रखूँगा, थोड़ा सा पीछे करके। बारह पे रख लेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग जो कंपनी ने बताया 12 पे। अभी मैंने आपको टाइमिंग दिखाया, आगे ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर से सेटिंग करेंगे इसकी। ये इसकी चाबी दे जरा, फेयरिंग एड्रेस के हिसाब से ये मैंने करके, तो ये मैंने टाइमिंग इधर रखा है इसका डिस्ट्रीब्यूटर का, वो 12 पे मैंने आपको नीचे दिखा दिया 12 पे। फिटिंग करते हैं, कारपेट की फिटिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको सारा कुछ। ये देखें ये कारपेट सेट ब्लॉकगंज जा रहे थे भाईजान चेंज कराने के लिए, मैंने वही कारपेट सर्विस करके दिया, इनको टाइमिंग भी सेट करके दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटर का कारपेट कंपनी में कहें कराया वो भी सही नहीं हुआ। बेगस ले आगे आप जल्दी आ गुड़गा बेगस ले। इसका फैन भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक फैन के बहुत फायदे हैं आपके में। इसका बिल्कुल नॉर्मल कारपेटर का साउंड ही बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त साउंड हो गया, गाड़ी बिल्कुल स्टिल खड़ी है। इंशाल्लाह अलग फजलो करम से लोगों पे 20 एवरेज देगी। देखें ये मैं भी मिक्सर करने लगा हूँ, गाड़ी काम पर ही है बिल्कुल, मिक्सर परफेक्ट काम कर रहा है। इसका मैंने खोला है एक राउंड, फिर मैंने इसका दूसरा राउंड खोला है, गाड़ी बिल्कुल स्टिल एक्यूरेट है। 2 से 2.5 राउंड खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना, जिधर गाड़ी सेट हो जाए मिक्सर छोड़ देना, गाड़ी स्मूथ हो गई आपने छोड़ देना है। जो गाड़ी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है वो पॉइंट का गैप ज़्यादा होगा तो फॉल्ट आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, ये भाईजान सुबह के खड़े ही हैं, जब से आए हैं 3 घंटे हो गए हैं, माशाल्लाह गाड़ी ठीक हो गई। अब ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना इंशाल्लाह, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़। लो जी सर जी, हूँ ट्राई करना था।